नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का चौहान राजवंश, और चौहान राजवंश में हम हाड़ौती के चौहान पढ़ रहे थे। हाड़ौती के चौहान में सबसे पहले हमने बूंदी के चौहानों को पढ़ा, उसके बाद हम कोटा के चौहान पढ़ रहे हैं, और कोटा के चौहानों की मतलब हम कक्षा ले रहे थे। और पिछली कक्षा में साथियों हमने राम सिंह के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने भीम सिंह के बारे में पढ़ा, तो अंतिम शासक हम भीम सिंह तक हमने पढ़ लिया था। तो अब भीम सिंह की जो मृत्यु है आप सब लोग जानते होंगे, 1720 में भीम सिंह जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब उसी कहानी को हम उसी से आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा, और आज हमारे पास जो बिंदु है वो कौन सा है साथियों, वो हमारा बिंदु है आज का कोटा के चौहान। कोटा के चौहानों के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। कोटा के चौहानों की बात की जाएगी तो मैंने आप लोगों को इनके बारे में प्रारंभिक जानकारी है, इससे पहले दो कक्षा हो चुकी है उनमें मैंने विस्तार से आपको बताया है। तो हम सीधा ही अपने बिंदु पर आते हैं ताकि ये चीजें भी आगे बढ़ती रहे, है ना, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मित्रों हमने बात की थी भीम सिंह की, भीम सिंह की सारी कहानी हमने बात पढ़ी थी कि भीम सिंह का बूंदी के साथ लगातार क्या होता रहा, स्ट्रगल होता रहा, और ये वही भीम सिंह थे जिन्होंने कोटा का नाम भी चेंज कर दिया, खुद का नाम भी चेंज कर दिया, मतलब इनको वैराग्य हो गया था, कृष्ण भक्ति का प्रभाव इनके ऊपर हो गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। अंत में मैंने आपको ये बताया पंडार के जो युद्ध है उस युद्ध में निजामुल मुल्क से युद्ध करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, कब, 1720 को। अब अपन उसी कहानी को आगे ले जाते हैं, अगले शासक कौन आते हैं, यानी भीम सिंह के पुत्र का नाम होता है साथियों दुर्जन साल सिंह। क्या नाम होता है, दुर्जन साल सिंह। तो अगले जो शासक है हमारे वो हुए दुर्जन साल सिंह। दुर्जन साल सिंह ध्यान देना भाई, यानी भीम सिंह के बाद जो कोटा के अगले शासक हुए कौन है, दुर्जन साल सिंह। अब दुर्जन साल सिंह के अगर काल की बात करें तो हमने 1720 पढ़ रखा है, तो ये इनके जो काल में थोड़ा सा बीच में गैप भी आता है 3 वर्ष का, बाद में राजा बनते हैं। तो आपको याद रखना है ये राजा बनते हैं 1723 से, कब राजा बनते हैं 1723, और 1723 से लेकर के ये 1756 ईस्वी तक क्या रहते हैं, राजा रहते हैं। अब अपन इनकी बात करने वाले किसकी, दुर्जन साल की। साथियों दुर्जन साल सिंह के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, दो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं सीधी सीधी बता देता हूं, और आपके ये मतलब आप इतनी कामयाब है हर जगह इससे यहां से क्वेश्चन आता है, चाहे अमेर के पढ़ो, चाहे आप मराठा के पढ़ो, चाहे आप कोटा पढ़ो, चाहे आप मेवाड़ पढ़ो, उन सभी को है ना संयुक्त रूप से यहाँ काम दिया जाता है। और वो क्या है, दुर्जन साल सिंह के समय दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं यहाँ पर, है ना, वास्तव में वो युद्ध होते हैं, मूल रूप से वो युद्ध होते हैं किसके, है ना, मेवाड़ के, उधर सॉरी अपन बात करेंगे आमेर के, ठीक है। तो बात करते हैं उस युद्ध में सभी का थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फायदा अपना अपना लाभ होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, तो सबसे पहले मित्रों मैं बात करूंगा 1 मार्च 1747 ईस्वी को एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है, आपको याद रखना है, राजमहल का युद्ध। और राजमहल का मतलब हो गया मित्रों स्थान है ये, और ये कहां पर पड़ता है, टोंक में, कहां पर पड़ता है, टोंक में, ये लो, यानी 1 मार्च 1747 ईस्वी राजमहल टोंक का युद्ध। राजमहलों की क्रांति की बात आए तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ उदयपुर में, ना, बात हमने की थी उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को राजा बनाया जाता है, उससे पहले जगमाल की कहानी मैंने आपको बता रखी है, ना, उसे बनाया जाता है, लेकिन शासक लोग उसे हटा करके राजा किसको बना देते हैं, महाराणा प्रताप को, तो उसी घटना को क्या कहते हैं, राजमहलों की क्रांति कहते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं राजमहल का युद्ध है ना, इसका पहले भी मैंने जिक्र कर दिया था। इन चीजों को आपस में जोड़कर अगर आप लोग पढ़ोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो 1 मार्च 1747 ईस्वी को राजमहल टोंक का क्या होता है, युद्ध। अब ये युद्ध किस किस के बीच में होता है ये जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। इधर तो हमारे पास कौन कौन है, एक तो है साथियों कोटा, ध्यान दे भी, कोटा प्लस मेवाड़ लिख सकते हो आप, उदयपुर लिख सकते हो, उदयपुर प्लस यहाँ पर मराठे भी हैं, हालांकि पूर्ण रूप से मराठे नहीं है, एक राणोजी राव नामक जो सेनापति है वो इधर है, उधर भी ज्यादा मराठे हैं, बात करेंगे अपन लोग। और प्लस यहाँ पर एक आमेर का जो राजा है, आमेर का माधो सिंह, हालांकि आमेर के इस समय माधो सिंह राजा न होकर के कौन होते हैं, ईश्वरी सिंह। और माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में क्या होनी है, लड़ाई होनी है, इन दोनों के है ना उत्तराधिकार को लेकर के बात करेंगे। तो हमारे पास 4 बिंदु है ना, कोटा, उदयपुर, मराठा और माधो सिंह। अगर साथियों है ना, मैं इन 4 पक्ष ये हो गए, ये संयुक्त रूप से है। और इधर अपन बात करेंगे किसकी, जयपुर की। और जयपुर के यहाँ जो शासक है ये लो जयपुर, और जयपुर का जो शासक है इसका नाम है स्वाई ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ये लो, ठीक है। और इसके साथ कहते हैं मराठों की सेना भी होती है, उधर भी मैंने बताया है इस दोनों युद्ध में 2 भागों में ये मराठों और प्लस यहाँ पर शाही सेना भी है, अकबर की सेना भी इसी का साथ देती है, कुछ सेना है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इधर तो ये और इधर ये 4 मतलब संयुक्त रूप से। अब उधर तो हमने शासक का नाम पढ़ लिया, इधर कोटा का कौन है अब बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं बची है, ऊपर लिखा हुआ है दुर्जन साल, ठीक है। कोटा के कौन है, दुर्जन साल सिंह। अब बात अगर उदयपुर की करेंगे है ना, ये हमने कोटा की कर ली है, तो अब उदयपुर की करेंगे तो मेवाड़ महाराणा यहाँ पर कौन है, जगत सिंह है ना, जगत सिंह ये भी सेकंड है, तो ये लो जगत सिंह। और इधर मराठा की बात करेंगे तो राणोजी राव कहते हैं इधर से युद्ध लड़ रहे थे। और माधो सिंह की बात करते हैं, अब हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग तथ्य ये मिलते हैं, जगह जगह मिलते हैं, कुछ जगह इधर मराठे बिल्कुल भी नहीं होते इस युद्ध में, इस साइड होते हैं। अगले युद्ध की एक बार और ना राजमहल के युद्ध के बाद बगरू के युद्ध की भी बात करेंगे, उसमें भी अलग परिस्थितियां थोड़ी बनेगी। तो ये राणोजी राव कहते हैं इसके साथ थे। और माधो सिंह है ना ये कहाँ के साथियों, ये हालांकि मैं ये कहता हूँ जयपुर के राजा नहीं है लेकिन राजा के भाई है, तो ये बनना चाहते हैं राजा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये क्या है, जयपुर के, ठीक है। अब बात करते हैं इन सभी की संयुक्त सेना, ठीक है, इन सभी की सेना क्या होगी, संयुक्त सेना। और ये संयुक्त सेना क्या करेगी, आक्रमण करेगी इधर से इनकी जो सेना है, और ये जो है ना आपस में आकर के क्या करती है, लड़ाई करती है साथियों। ये जो स्थान होता है राजमहल, और राजमहल कहाँ पर है, टोंक, यहाँ पर युद्ध होता है, इसलिए इस युद्ध का नाम भी क्या पड़ गया, राजमहल का युद्ध या टोंक का युद्ध। युद्ध कब होता है, तारीख हमने लिख रखी है ऊपर ही, 1 मार्च 1747 ईस्वी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपकी पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी, अभी हमने युद्ध करवाया है, परिणाम क्या हुआ है, अभी बात करते हैं। मित्रों ये इतने सारे सेना है, और इधर जयपुर के ईश्वरी सिंह है, इसके साथ मराठा सरदार कहते हैं मलारा होलकर होते हैं। और उधर अपन बात करेंगे जब किसकी बात करने वाले हैं, एक और महत्वपूर्ण तथ्य की जब बात करेंगे कि जयपुर के जो शासक है वो कौन है। तो यहाँ तो हम ईश्वरी सिंह के बारे में पढ़ लिया, और मराठा का मलारा होलकर इनका साथ देता है, कुछ शाही सेना भी है, तो ये आदमी ईश्वरी सिंह इनकी संयुक्त सेना को क्या कर देता है, हरा देता है। तो इनकी क्या होती है विजय, ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, एक ही बात याद रखनी है कि इधर हम दुर्जन साल सिंह है ना, ये इस युद्ध में भाग लेते हैं, राजमहल वाले युद्ध में भाग लेते हैं, ठीक है, किसकी तरफ से, ये संयुक्त रूप से भाग लेते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं माधो सिंह के पक्ष में, ठीक है। और दूसरी बात इधर स्वाई ईश्वरी सिंह है, विजय इनकी होती है, ठीक है। और इनकी संयुक्त सेना की क्या हो जाती है, पराजय, क्या हो जाती है, पराजय, पराजय का मतलब हार।
और इधर इनकी विजय होती है। तो साथियों विजय होने के बाद ये जो ईश्वरी सिंह होते हैं ना, ये विजय के उपलक्ष्य में ध्यान देना एक लाठ का निर्माण करवाते हैं ना, ईश्वर लाठ। किसका निर्माण करवाते हैं भाई? ईश्वर लाठ का निर्माण कराते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है ना, ईश्वर लाठ का निर्माण। किसका निर्माण करवा दिया है? ईश्वर लाठ का। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देखना, ईश्वर लाठ का निर्माण, ठीक है। अब देखो ये तो ईश्वर लाठ का निर्माण कहाँ पर करवाया जाता है? जयपुर में ही है, त्रिपोलिया बाजार है। अभी आप जाओगे तो वहाँ त्रिपोलिया बाजार, तीन पोल है वहाँ, बात करेंगे अपन त्रिपोलिया बाजार की। तो ये लो त्रिपोलिया बाजार, वहां पर बना हुआ है ईश्वर लाठ, है ना। ईश्वर लाठ एक स्वर्ग, अभी इसका जो वर्तमान नाम क्या है, सरगासुली है, अभी बात करेंगे। और इसी ये जो विजय के उपलक्ष में बनाया गया ना, बनाया इसी के बारे में अभी हम और पढ़ने वाले हैं। तो ये बात हो गई साथियों, है ना। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? ईश्वरी सिंह की। हार किसकी की? इनकी, संयुक्त रूप से, है ना, सबकी। उदयपुर की भी सेना है, मराठों की भी है, माधव सिंह की भी है, कोटा की भी है, ठीक है। अब देखो साथियों, एक युद्ध हमने करवा दिया है और इस युद्ध का नतीजा भी हमने निकाल दिया है, ठीक है। ये युद्ध था राजमहल का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के इतिहास में, बहुत महत्वपूर्ण है युद्ध। अब देखिएगा एक और महत्वपूर्ण युद्ध है, वो और करवाते हैं। ये बात अब की बात 1 अगस्त के आसपास की होती है। कुछ लोग 1 अगस्त बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, और थोड़ा सा समय बदल जाएगा 1748। कितना ही बदलो, अभी तक इसके अंदर ही चल रही है कहानी। और 1 अगस्त 1748 ईस्वी और अब की बार जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का नाम चेंज हो जाएगा। और इस युद्ध का नाम क्या है? बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध। और जब बगरू के युद्ध की बात करेंगे मित्रों, तो ये कब हुआ ये भी मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखा है कि 1 अगस्त 1748 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ है? युद्ध होता है बगरू का युद्ध। अब ये युद्ध कहाँ पर होता है और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं वो भी बात करते हैं। इधर हमारे पास कोटा है और कोटा के शासक, दोबारा अब नाम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कौन है? दुर्जन साल सिंह है, ठीक है, वही बनेगी स्थिति। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर उदयपुर से कौन है, मेवाड़ महाराणा, वही, यानी उदयपुर के महाराणा कौन है? जगत सिंह, ये लो। और अगर अपन बात करेंगे साथियों किसकी, किसके बारे में और पढ़ने वाले हैं? उदयपुर की हमने पढ़ ली है, उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, मराठों में, यानी यहाँ मराठे भी हैं, और मराठों में यहाँ पर दोनों व्यक्ति इधर ही है, एक तो है मल्हार राव होलकर और एक है राणोजी राव, राणोजी राय। आपको मैंने ये भी बताया था इनको इनवाइट करने वाले की कहानी भी मैंने उधर से बता रखी आपको, है ना, बूंदी के बुद्ध सिंह की कहानी मैंने आपको बताई, उसकी रानी आनंदा कंवर, है ना, अमर कंवर की बात मैंने बताई थी, सॉरी अमर कंवर की, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, मराठा, है ना, और मराठे यहाँ कौन कौन है, है ना, मराठा ये जो सेनापति है मल्हार राव होलकर और राणा जी राव है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये दोनों व्यक्ति इधर है इसके साथ, किसके साथ है? एक व्यक्ति और है इनके साथ, किसका, है ना, अभी इनका संघर्ष चल रहा है भाइयों का, ठीक है। तो इधर कौन आ गया? वापिस वही आदमी माधो सिंह। कौन है? माधो सिंह। और माधो सिंह कहाँ का है? तुम लोग पहले से भी जानते हो कहाँ का है, जयपुर का है, ठीक है। तो ये सारे लोग मिलकर के अब की बार पुनः आक्रमण करेंगे, है ना। और इधर जयपुर का जो महाराजा है वो कौन है? ईश्वरी सिंह है, जो कि एक बड़ा युद्ध जीत चुका है, इनके संयुक्त सेना को क्या कर दिया है, हरा दिया है पहले से ही। तो इस व्यक्ति का नाम क्या है? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह ने इसे क्या कर दिया, पहले तो इनको हराया, लेकिन अब की बार ये युद्ध होगा, ये युद्ध पुनः हो रहा है और इनकी संयुक्त सेना, यानी संयुक्त सेना कौन सी है, इन सब की, है ना, और इनके संयुक्त सेना का फिर आक्रमण होता है। अब की बार ये जो क्षेत्र है ये कौन सा? बगरू का है,
और यहाँ पर ये क्या होता है, युद्ध होता है, और युद्ध का समय मैंने ऊपर लिख रखा है, खुले लिखो तो लिख सकते हो आप लोग, है ना, 1 अगस्त के आसपास 1747 है, बगरू का युद्ध होता है। और ये इस युद्ध में अब की बार परिणाम थोड़ा बदलेगा, यहाँ ईश्वरी सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, मतलब पराजय होती है, और इधर इनकी क्या हो जाती है, संयुक्त सेना की जीत, ठीक है, मतलब विजय हो जाती है, ठीक है, इनकी जीत होती है। तो अब ये क्या करेंगे, ईश्वरी सिंह के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं, ये सभी ये जो संयुक्त सेना है ये ईश्वरी सिंह के साथ क्या करेगी, संधि करेगी, ठीक है। और संधि क्या है, इनके साथ मराठे हैं, जो ना आपको पता है राजस्थान के सभी रियासतों को हिला के रख दिया था इन्होंने, ना बहुत सारा पैसा यहाँ से इन्होंने लूटा था, ठीक है मित्रों। तो इसी क्रम में इन्होंने ना ये युद्ध का जो सारा हर्जाना है पिछले का भी, है ना, इतना बहुत ज्यादा पेलेंटी, बहुत ज्यादा पैसा ईश्वर सिंह के ऊपर, है ना, संधि के तहत बहुत ज्यादा शुल्क है, वो क्या कर दिया, है ना, कि आपको क्या देना पड़ेगा, शुल्क, है ना, और शुल्क काफी शुल्क निर्धारित कर दिया। और अब हुआ क्या, इतना बड़ा शुल्क हो गया तो ये निर्धारित कर नहीं पाए कौन, ईश्वरी सिंह, तो इस वजह से क्या होते हैं, इतना बड़ा शुल्क चुका नहीं पाते हैं, इस वजह से साथियों ये कर लेते हैं आत्महत्या, क्या कर लेते हैं, आत्महत्या, बहुत गलत है आत्महत्या, सबसे बड़ा क्या है मित्रों, जघन्य पाप है, व्यक्ति को किसी भी सूरत में अपने आप की जिंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए, इससे तो अच्छा है किसी के साथ संघर्ष करके, है ना, उचित लड़ाई करके, न्यायपूर्ण लड़ाई करके, संघर्ष करके अपने प्राणों की बाजी हम लगा देते हैं तो वो प्राण काम आते हैं, मजबूरन आत्महत्या किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये आत्महत्या की बात आती है तो अभी, है ना, बिल्कुल ही करंट का ये जो मुद्दा चल रहा है आप सब लोग जानते होंगे, राजगढ़ थाने के जो SI होते हैं उन्होंने आत्महत्या का जैसा कदम उठाया है, और उन्होंने बाकायदा लिखा है कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, राजनीतिक प्रेशर था। तो ये दुर्भाग्य और विडंबना की बात है कि सरकारी जो महकमा होता है, है ना, उसके ऊपर दबाव राजनीतिक तो होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि सरकारी, हम सरकार के, है ना, कर्मचारी होते हैं या बनने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर सरकारी दबाव तो निश्चित है, क्योंकि हम सरकार के कर्मचारी हैं, ये तो होना है, क्योंकि अब बात रहती है कि हमें सरकार के अंदर ऐसे व्यक्तियों को पहुंचाना है जो हमारी सुनते हो, हमारे लिए जो व्यक्ति कार्य करता है उनके, है ना, उनके लिए वो जीता हो, उन पर दबाव नहीं बनाता हो, प्रेशर नहीं बनाता हो ना। अगर हम लोग बड़े बड़े, अगर इस प्रकार के माफिया को, इस प्रकार के कमीने लोगों को जिता कर भेजते हैं और वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, तो इस प्रकार के, है ना, जाबाज जो सिपाही है उनको इसी प्रकार अपनी जिंदगी का मोह, मतलब मोह भंग हो जाता है, ठीक है। तो वाकायदे में उनका जो सुसाइड नोट है वो मैंने पढ़ा था, है ना, लगता नहीं है कि उन शब्दों के अंदर वो चीज़ है कि वो व्यक्ति आत्महत्या अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। तो ये एक बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक जो घटना हो रही है, अगर वास्तव में इसकी CBI जो जांच होती है तो ही निर्णय साफ होता है, वरना तो ये स्पष्ट एक प्रकार की हत्या ही है, मैं कहूँगा एक हत्या ही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे किसी और दबाव से बनाई गई हो, ठीक है मित्रों। ये तो रही आज की बात, तो मैं अब एक बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, आत्महत्या करना एक जघन्य पाप है, अगर माननीय ने वो किसी भी परिस्थिति में किया है लेकिन वो है तो पाप ही, डटकर लड़ना चाहिए मित्रों। तो इसी प्रकार इन्होंने आत्महत्या की, किसी ने, ईश्वरी सिंह ने, ये गलत है, ठीक है, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। और जब अपन बात करेंगे किसकी साथियों, इन्होंने जो आत्महत्या की किसने, है ना, कहा जाता है कि जो विजय के उपलक्ष्य में बनाई थी ना, क्या ईश्वर लाट, क्या बनाई थी, ईश्वर लाट इन्होंने बनाई थी ना, इसी ईश्वर लाट का नाम क्या है, सरगासूली, और इस सरगासूली से कूद कर इन्होंने क्या दे दी, जान, काफी ऊंची है वो, ठीक है। आप जब कभी जयपुर जाओगे तो जरूर उसे देखकर आ जाओगे, त्रिकोलिया बाजार है वहां पर है, कुछ पुस्तकों की वहां अच्छी अच्छी दुकानें भी है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, टोंक फाटक में काफी पुस्तकें वहां पर प्रचुर मात्रा में मिलती है, ठीक है मित्रों। ये थोड़ा सा आपको, मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी है, ये एक और युद्ध है, इसका परिणाम क्या हुआ, ईश्वर सिंह हार गए, ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह हारने के बाद इन्होंने तो आत्महत्या कर ली, और इधर ये, है ना, संयुक्त रूप से ये एक बार जीत गए, और इनके जीतने का, इनके साथ एक बंदा कौन है, हमें जयपुर का माधो सिंह है, तो अगला राजा कौन बनेगा, माधो सिंह राजा बन जाएगा। अब अपन आगे की कहानी को भी लेते हैं, इधर दुर्जन साल सिंह की इसमें भूमिका थी, युद्ध कर रहे थे। अब बात करेंगे अपन, एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे, वो ये
कि जो दुर्जन साल सिंह है साथियों, इनका एक दीवान था, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दुर्जन साल सिंह, यानी अपने दुर्जन साल सिंह को पढ़ रहे हैं, और इनका एक क्या था, दीवान, और उस दीवान का नाम था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जाला हिम्मत सिंह, जाला हिम्मत सिंह, इनका नाम क्या था, जाला हिम्मत सिंह। ये किसका दीवान था, दुर्जन साल सिंह का। अब होता यूं है कि ये जो दीवान है किसका, यानी कि दुर्जन साल सिंह का, और नाम क्या है, हिम्मत सिंह, ये हिम्मत सिंह के कोई संतान नहीं होती है, तो ये अपने एक भतीजे को गोद ले लेते हैं, भतीजे को गोद, ठीक है, ये जिस भतीजे को गोद ले लेते हैं उस भतीजे का नाम होता है जाला जालिम सिंह। ध्यान देना भाई, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ, इस अगर कोटा के थाना बात करें तो जाला जालिम सिंह, जाला जालिम सिंह, और यही जो जालिम सिंह है आगे जा करके ये लगातार लंबे समय तक कोटा के ऊपर अपना प्रादुर्भाव धाक जमाए रखता है, झाला जालिम सिंह। तो ये यहाँ से मैंने आपको बताया अच्छी तरह से, दुर्जन साल सिंह, दुर्जन साल सिंह का दीवान नाम क्या है, झाला हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह के कोई संतान नहीं होती, अपने भतीजे को गोद ले लेता है, तो एक तरीके से वो भी दीवान बनेगा, तो ये जो दीवान प्रशासक आगे बनता है झाला जालिम सिंह, और ये इसको क्या कर लेता है भाई, है ना, इसको गोद लेता है। और अब मैंने यहाँ सारी बात बताई है, अब ये जो गोद लेता है कब लेता है, अभी तक यहाँ ये दीवान नहीं बना है, अभी तक तो ये दीवान है कौन, हिम्मत सिंह, है ना, यहाँ तक 1756 1758 की बात करने वाले हैं इसकी, तो इसकी कहानी भी अभी अगले अपने अगले बिंदु पर, है ना, क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये बात आपके पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, दुर्जन साल सिंह के बारे में दो बड़े युद्ध याद रखने हैं, पुनः देख लो, राजमहल का युद्ध, दूसरा युद्ध बगरू का, राजमहल का 1 मार्च 47 और बगरू का 1 अगस्त 48, ठीक है। और उसके बाद हमने ये बात की थी कि इधर है ना, सबसे पहले संयुक्त सेना हार गई, ईश्वर सिंह जीत गए, ईश्वर लाट बनाया, उधर है ना दुर्जन साल सिंह भी साथ था, दूसरे में दुर्जन साल साथ था, लेकिन संयुक्त सेना जीत गई बगरू के मैदान में, और हार किसकी हुई, ईश्वर सिंह की, और ईश्वर लाट से कूद करके उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जान दे दी। तो ये महत्वपूर्ण बात है, और मैंने ये जो बताई, ध्यान रखना भाई, दीवान इसका दुर्जन साल सिंह का कौन, झाला हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह के कोई संतान नहीं हुई, तो हिम्मत सिंह भतीजे को क्या ले लेते हैं, गोद लेते हैं, और इस भतीजे का नाम क्या, झाला जालिम सिंह। यह जालिम सिंह आगे जा करके है ना बड़ा ही खतरनाक काम करने वाला है, भी लगातार कोटा शासकों के ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है, आगे जाकर एक रियासत की स्थापना भी यहाँ होने वाली है, तो उसके भी सूत्रधार मूल रूप से तो यही होते हैं। शुरू करते हैं अपनी इसी कहानी को आगे, मुझे लगता है आप लोगों को एंजॉय आ रहा होगा इन चीजों को पढ़ते हुए, इस प्रकार के को जोड़कर ही हर एक चीज को पढ़ना चाहिए, अगर आप जोड़ के नहीं पढ़ सकते हो तो फिर थोड़ी दिक्कत है। अब देखिएगा, बात कर रहे हैं अपन दुर्जन साल सिंह की, हमने कर दी है, तो दुर्जन साल सिंह की मृत्यु होने के बाद जो राजा बनता है उस व्यक्ति का नाम है शत्रु साल सिंह, दुर्जन साल सिंह के बाद में राजा कौन बनता है, शत्रु साल सिंह। अब शत्रु साल सिंह की अपन बात कर रहे हैं, तो एक चीज हमें ये सबसे पहले यही ध्यान करना होगा, इनका काल, तो उनका काल हमने लिया था कब, 1700 हमने ले लिया था 56 तक, तो अब 1756 से हम आगे ले जाते हैं इसी बात को 1764 तक, 1764 ईस्वी तक इनका काल रहता है, किसका, शत्रु साल सिंह का। अब शत्रु साल सिंह के बारे में कुछ अच्छी बातें जितनी भी हो सके हम उनको ले लेते हैं। सबसे पहले साथियों, शत्रु साल सिंह के बारे में एक ही बात आपको अच्छी, सबसे अच्छी याद रखनी है, वो ये है कि शत्रु साल सिंह के समय भी एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है बटवाड़ा का युद्ध, है ना, मैं समय आपको लिख देता हूँ, ये 1700 ही चल रहा है, 1761 ईस्वी, देखो 1761 किसके बीच में आ रहा है, 1756 से 64 के बीच में आ रहा है, तो 1761 ईस्वी में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम है बटवाड़ा का युद्ध। क्या नाम है भाई, बटवाड़ा का युद्ध, बहुत आसान है, जैसे भी अगर आप थोड़ी से प्रयास करोगे सीखने की, अगर आप इच्छा रखते हो अपने आप दिमाग से बातें निकल जाएगी, अगर आपका ध्यान इधर है तो, ठीक है, आप कुछ सीखना चाहते हो तो, अन्यथा तो कितनी बार पढ़ना,
अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो कभी भी सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो 1761 ईस्वी भटवाड़ा का युद्ध होता है। अब ये जो भटवाड़ा का युद्ध है किस किस के बीच में होता है ये बात करनी बहुत जरूरी है। इधर क्या है, कोटा, हम पढ़ रहे हैं कोटा के शासक कौन है, शत्रुसाल सिंह। दोबारा मैंने लिख दिया है क्योंकि इसी प्रकार की अपनी शैली है, लगातार हम पढ़ रहे हैं, ऐसे एकाध शब्द लिखने में कोई बहुत ज्यादा समय भी खर्च नहीं होता। इधर बात कर रहे हैं हम जयपुर की, किसकी बात कर रहे हैं, जयपुर की साथियों। और जयपुर में हमें ध्यान रखना है, शासक हमने अभी अभी एक व्यक्ति को बना दिया है ना, ईश्वर सिंह तो क्या खा गए हैं, है ना, मतलब उन्होंने तो मृत्यु को वर्ण कर लिया है। तो अब जो शासक हमने किसको बना दिया है, माधव सिंह को, किसको बना दिया है, माधव सिंह को। अब ये जो माधव सिंह राजा बनते हैं और ये आक्रमण करेंगे किसके ऊपर, शत्रुसाल सिंह के ऊपर। और ये जिस स्थान पर आक्रमण करते हैं मित्रों, इस स्थान का नाम क्या होता है, भटवाड़ा, ठीक है। तो ये भटवाड़ा स्थान पर युद्ध होता है, युद्ध थोड़ा सा क्या है, भीषण भी है, ये खतरनाक युद्ध है, युद्ध क्या है भाई, भीषण, ठीक है, है ना। और इस भीषण युद्ध में मित्रों पराजय होती है किसकी, माधव सिंह की, और विजय किसकी होती है, शत्रुसाल सिंह की विजय, ठीक है। बाद में अभी भी युद्ध तो पूरा हो गया, विजय पराजय कर दी, लेकिन अब जो मैं बिंदु शुरू कर रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इन हिस्ट्री ऑफ कोटा, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी, यानी शत्रुसाल सिंह की। मैंने आपको बताई है कि कोटा के शासक शत्रुसाल सिंह है, जयपुर के माधव सिंह है, युद्ध होता है दोनों के बीच में भटवाड़ा नामक स्थान पर, ये युद्ध थोड़ा भीषण है। और पराजय किसकी हो जाती है, माधव सिंह की, विजय किनकी होती है, इनकी। उसके बाद कभी भी जयपुर के जो लोग हैं कोटा के ऊपर आक्रमण करने के लिए कभी नहीं आते हैं, क्योंकि यह आक्रमण थोड़ा भीषण था, आने कुटिया थोड़ा तकड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ इनकी विजय हुई, इनकी विजय का जो मूल कारण था, इनकी विजय का अगर अपन कह दें, यानी श्रेय किसको जाता है, तो ये भी बात याद करनी है, विजय का श्रेय जाता है इनके एक दीवान को, दीवान प्रशासक, अगर मैं यूं कह दूं फौजदार, फौजदार, ठीक है। और इस व्यक्ति का नाम है झाला जालिम सिंह। ये जो झाला जालिम सिंह है इनको सबसे ज्यादा श्रेय मिलता है, इन्हीं के बलबूते ये युद्ध जीतते हैं। और अब एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने श्रेय बताया किसके बारे में, दीवान प्रशासक या फौजदार कौन, झाला जालिम सिंह। इस जालिम सिंह की बात मैंने आपको बताई थी, हिम्मत सिंह निसंतान गोद लिया किसको, इसी को, झाला जालिम सिंह को। और ये झाला जालिम सिंह अब क्या बन गए, प्रशासक बन गए हैं। तो मैं थोड़ी सी बात इनके बारे में यहाँ बता देता हूँ, ये जो झाला जालिम सिंह है ये कोटा की जो राजनीति है इसके एक मूल सूत्रधार भी है, झाला, ठीक है। तो ये जो झाला जालिम सिंह है साथियों, ये लगातार कोटा पर क्या रखते हैं, एक तरीके से पूर्ण नियंत्रण, है ना, पूर्ण अधिकार इनका होता है किसके ऊपर, कोटा के ऊपर, पकड़ इनकी बड़ी मजबूत होती है। और ये जो इनका खुद का जो काल है, यानी ये 1758 से लेकर के अगर बात करेंगे अपन 1823 ईस्वी तक की, ध्यान देना 1758 से लेकर के 1823 तक का ये जो काल है ना कोटा के इतिहास में, सारा का सारा काल इनके नाम आ जाता है, किनके नाम, जालिम सिंह के, क्योंकि इनका प्रभाव इनके ऊपर पूरा का पूरा ना नियंत्रण ये करते हैं। और बीच में मैं इनकी सारी बात आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा, इन्होंने 1817 में, ठीक है, 1817 में ये क्या कर लेते हैं, EIC से संधि, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। और संधि के साथ एक शर्त, ना दो शर्तें बाद में धीरे से 1818 में दो शर्तें और जोड़ देते हैं,
वो दोनों सत्य हैं। मैं इनका अभी इनके काल में ये कब करते हैं तो उसमें ले चलते हैं, अभी बात 1817 की कर रहे हैं और यहाँ पर तो अभी हम 1764 में ही भटक रहे हैं, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे अपन, ठीक है। तो मित्रों शत्रुसाल सिंह के बारे में हमने चर्चा की 1756 से 1764, काल कोई मायने नहीं याद रखता, अगर याद होता तो अच्छी बात है वरना ये कहानी तो आपको याद होनी चाहिए। अब 1761 आराम से याद हो जाएगा, ये नहीं याद हो तो एक बार जरूर नहीं, एक बार थोड़ी याद कर लो फिर अपने आप याद आ जाएगा। कोटा जयपुर शत्रुसाल सिंह माधो सिंह, माधो सिंह की पराजय, विजय किसकी शत्रुसाल सिंह की, बटवाड़ा का युद्ध भीषण था ये विजय है ना, ये श्रेय किसको जाता है, दीवान प्रशासक फौजदार है ना, ये सेनापति भी था इनका, सेनापति सेनानायक फौजदार बात एक ही है, और जालिम सिंह ठीक है, तो इनका जालिम सिंह का पूर्ण नियंत्रण था कब 1758 से लेकर 1823 ईस्वी तक साथियों। अब शत्रुसाल सिंह की हम बात कर चुके हैं, इनके बारे में इतनी ही जो महत्वपूर्ण बात थी वो जरूरी थी। 1800 बात कब की है, 1800 हम पहुंच गए, सॉरी 1764 गलत ले रहे हैं, 1764 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है मृत्यु, ठीक है। अब इनकी मृत्यु के बाद जो राजा बनते हैं वो कौन बनेंगे, शत्रुसाल सिंह की मृत्यु के बाद जो राजा बनेंगे हम अब उनको भी लेने वाले हैं, यहाँ हम काफी आगे शासकों की बात करने वाले हैं, जैसे हमारे किशोर सिंह आएंगे उससे पहले गुमान सिंह आने वाले हैं, ठीक है। तो इन शासकों को हम लेंगे और क्रमबद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। तो मित्रों सबसे पहले एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरी तरह से, ले लिया। चलो शुरू करते हैं कुछ और कहानियां जो हमें और संग्रह प्रदान करे ज्ञान का। देखिएगा अब अगर अपन बात करें किसके अगले शासक की, तो अगले शासक है गुमान सिंह। कौन से शासक है गुमान सिंह, किसके शासक, कोटा के। अगर बात आप लोग काल की करो, अभी हम पहुंच गए थे 1764 ईस्वी तक, तो 1764 से लेकर इनका जो काल रहता है 1770 तक, 1770 ईस्वी तक किसका, गुमान सिंह का काल है। मित्रों एक ही बात याद रखनी है गुमान सिंह के काल में, कौन सी बात, एक ही याद करनी है, ये क्या करते हैं झाला जालिम सिंह, को राज्य से निकाल देते हैं, मतलब बात एक ही है। कोटा से निकाल देते हैं किसको, झाला जालिम सिंह को, और जालिम सिंह कहाँ चले जाते हैं उदयपुर, कहाँ चले जाते हैं भाई उदयपुर चले जाते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, उदयपुर चले तो जाते हैं लेकिन ज्यादा समय तक वहां रहते नहीं है, तो ये वापस गुमान सिंह क्या कर देते हैं, इसे पुनः क्या बना दिया जाता है प्रशासक, अगर आप फौजदार लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फौजदार बना दिया जाता है। ये बात हमने किसके बारे में पढ़ी है, गुमान सिंह के बारे में, एक ही बात देखना, गुमान सिंह का गुमान जा गया तो इन्होंने झाला जालिम सिंह को क्या कर दिया, भगा दिया, लेकिन वापस गुमान मर गया तो इस वजह से क्या है वापस पुनः इन्हें प्रशासक और फौजदार बना दिया, किसको, बात किसकी कर रहे हैं झाला जालिम सिंह की, और इनका भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध यहाँ पर था, ठीक है। अब अपन गुमान सिंह से भी आगे बढ़ते हैं, एक और शासक की बात करेंगे, उमेद सिंह की।
उमेद सिंह की जब भी बात की जाएगी तो सबसे पहले हम इसका काल कर लेते हैं 1770 से लेकर के साथियों, ये लेते हैं 1819 ईस्वी तक, कब 1819 ईस्वी तक। अब अपन बात करें तो यहाँ महत्वपूर्ण कहानी क्या होगी, उमेद सिंह 1770 से लेकर 1819 ईस्वी तक ये क्या रहते राजा रहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर अपन बात करें प्रशासक की या अपन बात करें किसकी फौजदार की, तो वो कौन है, उसका नाम क्या है, झाला जालिम सिंह। यहाँ जो ये झाला जालिम सिंह है मित्रों, इनके समय है ना, इनके समय ये क्या कर लेता है अंग्रेजों से संधि। देखो प्रशासक कौन है, फौजदार झाला जालिम सिंह, और ये जो जालिम सिंह है इनके नेतृत्व में ही, ध्यान देना, जालिम सिंह के नेतृत्व में ही की जाती है कोटा रियासत के द्वारा, कोटा रियासत द्वारा, कोटा रियासत द्वारा अंग्रेजों से संधि। ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी कंपनी का ही शासन है यहाँ। अगर 1857 की बात करेंगे तो सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासक हो जाएगा, तो ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। यह संधि कौन करता है, जालिम सिंह। अब बात आती है ये संधि की कब की जाती है, संधि कब की जाती है, ये समय भी अगर आपसे कोई पूछे तो ये बात हो जाएगी 1817 ईस्वी की। कब की, 1817 ईस्वी की इन्होंने क्या कर दी, संधि कर दी। और मैं आपको ये बता देता हूँ, इन्होंने संधि तो पहले कर ली 1817 में, और फिर क्या हुआ, गुपचुप तरीके से, यानी एक तरीके से छल कपट के द्वारा, और ये खुद उस संधि में कुछ शर्तें जुड़वा देते हैं, ध्यान देना, यानी छल कपट के द्वारा संधि में कुछ शर्तें जुड़वा देते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, ध्यान रखना भाई, प्रशासन पर इनका पूर्ण क्या होता था, नियंत्रण होता था, इस वजह से ये अपने थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं गुपचुप तरीके से अंग्रेजों के साथ इन्होंने थोड़ा सा मिलकर के क्या कर लेते हैं, है ना। पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो संधि कब होती है, 1817 में संधि कर लेते हैं, और बाद में ध्यान देना भाई, बाद में, और बाद का ये काल कब है, 1818 ईस्वी में क्या करते हैं, है ना, गुपचुप अपन कह सकते हैं, गुप्त तरीके से संधि में दो शर्तें जुड़वा देते हैं भैया, संधि में दो शर्तें अपनी तरफ से। अब ये जो दो शर्तें क्या है साथियों, मैं आपको बताता हूं, ये दो शर्तें थी, एक तो ये पहली शर्त तो ये थी कि कोटा का जो शासक है, ध्यान देना भाई, कोटा का वास्तविक शासक कौन होगा, जालिम सिंह खुद, समझ गए, खुद है ना, वह इसके उत्तराधिकारी। ठीक है, वास्तविक शासक खुद उत्तराधिकारी होगा, और एक शर्त ये थी। तो अब ये जो राजा है कौन, उमेद सिंह, तो ये भी क्या होंगे, उमेद सिंह वह उनका उनके उत्तराधिकारी, राजा रहेंगे, देखो बात क्या थी, यहां बात ये थी कि इसने दो शर्त की, एक तो क्या, कोटा का वास्तविक शासक तो खुद बन गया जालिम सिंह, ठीक है, और बच्चे बाद में भी कौन, उत्तराधिकारी भी, अच्छा काम किया इसने, ठीक है, और उमेद सिंह व उनके जो पुत्र उत्तराधिकारी है ना, वो राजा तो रहेंगे लेकिन वास्तविक नहीं। जैसे अभी अपन बात कर लें भारतीय संविधान के अंदर, संविधान की दृष्टि से तो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, लेकिन नियंत्रण सारा किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है,
तो सेम ही बात है, वास्तविक सत्ता नियंत्रण में किसके रहेगी, दालिम सिंह की, संधि कर ली अंग्रेजों के साथ इसने गुपचुप तरीके से, और उमेद सिंह व उनके उत्तराधिकारी को क्या बना दिया, राजा बना दिया। और एक इसने क्या है तो ध्यान रख लेना, यानी कोटा को मराठों व पिंडारियों के आक्रमण से बचाए रखा, पिंडारियों के आक्रमण से बचाए रखा, आक्रमण से बचाए रखा भाई इसने, कैसे भी बचाए रखा ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना, इसी ने ये जो शेरगढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग को ये व्यक्ति किसको दे देता है, अमीर खां पिंडारी को, अमीर खां पिंडारी को रहने के लिए, ठीक है। कौन सा दुर्ग दे देता है, शेरगढ़ जो दुर्ग है अमीर खां पिंडारी को रहने के लिए दे देता है, कौन दे देता है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यानी ये दिया जाता है किसके द्वारा, ये दिया जाता है अपने यहाँ के जो एक तरीके से प्रशासक है, पूर्णतः शासक जो बन गए संधि के तहत, कौन, जालिम सिंह और वह उसका उत्तराधिकारी, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है साथियों, जो शेरगढ़ दुर्ग है अमीर खां पिंडारी को रहने के लिए दे दिया जाता है। और कुछ मैंने इनकी गतिविधि बताई है, अब आगे की भी इनकी और गतिविधियां होगी, उन सब गतिविधियों के बारे में हम पढ़ेंगे मित्रों, यानी कि अगली कक्षा में। हमने काफी जो समय है वो खर्च कर दिया आज की कक्षा में, निरंतर हम बने रहेंगे, अब थोड़ा सा ही बचा है ना, अगली कक्षा में हम कोटा को पूरी तरह से क्या कर देंगे, है ना, पूर्ण बिंदु भी शुरू कर देंगे। आप लोग लगातार बने रहें, और 1700 ये मैंने आपको पुनः बता देता हूँ, 1819 प्रशासक फौजदार कौन है, झाला जालिम सिंह, पूर्ण नियंत्रण है प्रशासन, और ये कोटा रियासत द्वारा EIC के साथ क्या करता है, संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, कब 1817 ईस्वी में कर लेता है, और फिर बाद में क्या गुपचुप तरीके से संधि में दो शर्तें जुड़ा देता है, एक तो क्या कोटा का वास्तविक जो शासक है वो खुद जालिम सिंह उनके उत्तराधिकारी होंगे, और उमेद सिंह व उनके जो उत्तराधिकारी वो राजा ही रहेंगे, ठीक है। और इधर कोटा को मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से तो ये बचाए रखता है, और ये मैंने आपको बात शेरगढ़